दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप लोग अपने डायल कॉल में आप लोग फ्री फायर को छुपा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने डायल कॉल से ही आप लोग अपने फ्री फायर को छुपा सकते हो। जिसे दोस्तों हम यहाँ पर अभी हम मतलब ये सेटिंग कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर अभी हम डायल करते हैं #1234 #। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा फ्री फायर गेम छुपा आ रहा है। आप लोग कोई भी गेम को आप लोग छुपा सकते हो। जैसे हम यहाँ पर लाइक अभी हम फ्री फायर को छुपाए हैं, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर डायल करते ही हमारा फ्री फायर आ गया है। और आप लोग किस तरह से छुपा सकते हैं, मैं आज आप सबको इस वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो गाइस आप सबको इस वीडियो को ज़्यादा से भी स्किप नहीं करना, आप सबको समझ में नहीं आएगा तो आप सबको क्या करना, सबसे पहले आप सबको इस वीडियो को न फुल वॉच, ताकि आप सबको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। और गाइस आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करें। चलो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल फोन का सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जिस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे के साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी के नाम से। तो आप लोगों को सिंपली प्राइवेसी वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जिस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा, तो आप लोगों को क्या करना है, बैक चलाना। बैक चलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं सर्च वाला ऑप्शन, तो आप लोगों को सिंपली सर्च करना है यहाँ पर आप लोगों को प्राइवेसी। प्राइवेसी सर्च करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं नीचे की साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आप सबको प्राइवेसी के नाम से। तो सिंपली आप सबको प्राइवेसी और ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को वहीं पर चल जाइएगा जहां पर आप लोग गए थे, ठीक है। तो आप लोग यहां पर फिर से आ जाइएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर के साइड में एक ऑप्शन देखने को मिला आप सबको प्राइवेसी का ऑप्शन, तो आप सबको सिंपली प्राइवेसी वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग हैड एप्स के नाम से आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आप सभी को, तो सिंपली ये वाला ऑप्शन को क्लिक करना है आप सभी को। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड आप लोग को चूज कर लेना है, जिससे हम कोई भी पासवर्ड को चूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर लोडिंग का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कोई भी गेम को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे हम कोई भी गेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेटिंग करने का ऑप्शन आएगा, सिंपली आप उसको सेटिंग और ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो दोस्तों जो हम लोग का मेन काम है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारा जो हैशटैग से शुरू करना है और लास्ट में हैशटैग खत्म करना है, ठीक है। तो आप लोग उसके बीच में कोई संख्या रख सकते हैं, जैसे हम रखे हैं #1234 #। तो हम ये संख्या रखें, उसके बाद आप लोग को रख लेना है कोई भी संख्या, आप लोग को मन करेगा वो रख लेना है। जैसे हम यहाँ पर रखनी है सिंपल सा, ठीक है। तो आप लोग का रख लेना है कोई भी संख्या। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे ऊपर के साइड में टिक वाला ऑप्शन, तो सिंपली आप सबको सही वाला टिक वाला ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे नीचे के साइड में डन वाला ऑप्शन, तो सिंपली आप सबको डन वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम अपने फ्री फायर को छुपा लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमारा सेटिंग वन हो गया था, और यहाँ पर अभी हम फ्री फायर को वन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा फ्री फायर भी ऐड हो गया है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर सिंपली आप लोगों को जो जो ऐप को मतलब छुपाना हो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को बैक चलाना है। बैक चलाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपने को यहाँ पर अपने मोबाइल फोन के डायल कोड को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग जो यहाँ पर डिजिट को रखे थे वो सिंपली आप सबको यहाँ पर डिजिट को डालना है। जैसे हम रखे थे #1234 #, तो सिंपली यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा गेम है वहाँ पर हैड हो गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हाँ भाई हमारा गेम आ गया है फ्री फायर और पबजी को हम छुपाएंगे, तो सिंपली यहाँ पर फ्री फायर और पबजी हमारा भी आ गया है, जो यहाँ पर आप लोग छुपा सकते हो अपने मोबाइल फोन के डायल कॉलर से। दोस्तों यह हमारा था मतलब डायल कॉलर में आप लोग किस तरह से गेम छुपा सकते हैं। आई हो दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पूरा सीखने को मिलेगा किस तरह से मतलब डायल कॉलर से फ्री फायर को या फिर आप लोग कोई भी गेम को आप लोग छुपा सकते हो। दोस्तों अगर आप सभी को समझ में आया हो गया तो आप सबको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद वंदे मातरम।